हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। फ्लैट बंद रहा, हल्का सा फ्लैट तो नहीं बल्कि 1% के आसपास की गिरावट रही, हल्की सी गिरावट 1000 के आसपास का। इसके ऊपर निकलने की कोशिश की, वहाँ पर टिक नहीं पाया, तेज़ी नहीं आई इसके अंदर। हालांकि अगर देखें तो इसका एक रीज़न भी है यहाँ पर, जैसे कि हमने बात की थी, अभी ये कंसोलिडेशन मोड में है। ऊपर भी गया, नीचे भी आया, और लेने वाले ने वापस से भी ऊपर गया था या नीचे में लो बनाकर, तब भी हमने बात की थी। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स से उनको फ़ायदा भी हुआ होगा, कुछ हमें कमेंट्स भी आए थे, नीचे में खरीदा और ऊपर ने शायद उसमें बेच भी दिया होगा, लेकिन ज़्यादा तेज़ी नहीं आई। वो तो उसके अंदर थोड़ी सी देर लग जो है लग सकती है। सबसे पहले आज के कारोबार की बात करें तो ठीक ठाक डिलीवरी वॉल्यूम रहा। आज भी देखें तो 6,80,000 के आसपास का, 15 मिनट का चार्ट देखे तो सवेरे ही जो है अच्छा खासा एक हाई बनाया, उसके बाद वहाँ पर टिक नहीं पाया, फिर नीचे आया। बाजार के अंदर भी थोड़ी सी हल्की सी गिरावट थी। अभी ऐसा लग रहा है कि बाजार के अंदर थोड़ी सी थकावट है, क्योंकि ऊपर में अच्छी खासी तेज़ी आ चुकी है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन हो सकता है बाजार के अंदर, तो इसके अंदर भी हो सकता है ऐसा लग रहा है। और आखिर में अगर देखें तो पूरे दिन यहाँ तक रहा और आखिर में हल्की सी बिकवाली आई, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ, थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम के साथ। हो सकता है कि ये इंट्राडे जो है ट्रेडर्स है उन्होंने किया हो। अब यहाँ पर ज़रा देखें वीकली चार्ट के ऊपर, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था ट्रेंड लाइन का। कौन सी ट्रेंड लाइन? तो लोअर हाई की ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, यहाँ पर हाई बनाया, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और ये ब्रेकआउट के बाद अच्छा खासा हाई भी बना दिया यहाँ पर 1200 रुपये का आसपास का। तभी हमने चर्चा की थी कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। कुछ लोगों ने यहाँ पर बेचे भी होंगे, कुछ लोगों ने नीचे में खरीदे भी होंगे, उनको फ़ायदा हुआ होगा और ये एक स्ट्रेटजी की बात है। बाकी जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है, अगर चाहे तो होल्डिंग रखना चाहे तो रख सकते हैं कंटिन्यू अपनी। अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है, क्योंकि अभी भी ये जो हालांकि ब्रेकआउट जो लाइन है उससे तो ऊपर ही है, लेकिन 5 और 9 वीक का जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास काम कर रहा है। अगर इसके नीचे आया तो थोड़ी सी करेक्शन और आ सकती है। MACD को जब हम देखेंगे तब पता चलेगा। अभी तो बोलिंजर बैंक को देखें तो इसकी ऊपरी लाइन जो इसकी मिडिल लाइन है इसके थोड़े से ऊपर काम कर रहा है, लेकिन इसको अगर तोड़ता है नीचे की तरफ तो थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है। निचली लाइन अभी जो है 850 रुपये के आसपास है, अब ये थोड़ी सी ऊपर आ रही है तो वहाँ तक जाने की भी संभावना रह सकती है। मंथली चार्ट के ऊपर देखें तो कल भी हमने बात की थी, ये हमारे नए व्यूअर्स के लिए है, जिन्होंने नहीं देखा वो इसको देख सकते हैं। ये अभी हिडन बल्कि जब रिपोर्ट आई उसके बाद जो है ये गिरा था, उसके बाद ये इतने महीनों के बाद पहली बार था कि ये मिडल लाइन जो है बोलिंजर बैंक की मंथली चार्ट के ऊपर, इसको ऊपर जाने की कोशिश की। इसके ऊपर भी गया, हालांकि वहाँ पर टिक नहीं पाया, लेकिन इसको टच किया। तो इस महीने या आने वाले महीने या फिर आने वाले दिनों के अंदर इस लाइन को अगर ये पार करता है तो जो इसकी ऊपरी लाइन है, जो कि अभी इसका लेवल जो है 3000 के आसपास, 2900 के आसपास है, वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन ये जो है ऊपरी लाइन, अभी ये नीचे आ रही है, मंथली कैंडल है, मंथली चार्ट है ये, और आने वाले महीने में ये और नीचे आ सकती है, 2500 तक भी आ सकती है, 2000 तक भी आ सकती है। लेकिन अगर ये लाइन क्रॉस करता है तो उसके बाद एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, तो ये भी बात जो है आप नोट करके रख सकते हैं। और ये मंथली चार्ट है, डेली चार्ट नहीं, मंथली चार्ट है, इसके अंदर थोड़ा सा वक्त भी लग सकता है। मोमेंटम की अगर बात करें तो अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आती है तो इसके अंदर जो है एक जल्दी ही तेज़ी की संभावना रह सकती है। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है इसके अंदर, लेकिन अभी भी इसका जो सपोर्ट एरिया है वो जो है वो नज़दीक दिख रहा है। और अब अगले महीने या फिर उसके बाद के महीने में इसके Q1 के रिजल्ट भी जो है आ सकते हैं, तो उसके ऊपर भी बाज़ार की नज़र रह सकती है। MACD को देखें डेली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर जो है एक बेरिश क्रॉस ओवर होने की तैयारी दिख रही है। अगर ये बेरिश क्रॉस ओवर होता है तो नीचे थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, लेकिन अभी भी सपोर्ट जो है वो करीब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर RSI अभी 52 के आसपास है। अगर ये नीचे में यहाँ पर 850 रुपये के आसपास का जब लो बनाया था, अगर उस लेवल के आसपास आता है तो RSI वापस से 30 के आसपास आ सकता है, वहाँ से वापस से बाउंस बैक देने की इसकी संभावना रह सकती है। जैसे यहाँ पर बाउंस बैक दिया था, 30 से भी नीचे गया था तब RSI, तो अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। और कल की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल भी जैसे कि ये 3 दिन अगर देखें लगातार एक अच्छी खासी उठा पटक के बाद ये 3-3 लगातार जो है इसके अंदर एक कंसोलिडेशन भरा रहा, और तीनों ही दिन 1000 रुपये को ये क्रॉस नहीं कर पाया। तो अभी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बाजार थोड़ा सा थक रहा है, तो थोड़ा सा हल्का सा नीचे जाने की संभावना यहाँ पर लग रही है। फिर भी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं इसके। और कल भी अगर देखें एक रेंज की बात करें तो नीचे में 950 रुपये से लेकर 935 रुपये के आसपास की एक रेंज नीचे में बात करें, और ऊपर में जो है 1000 से लेकर जैसे कि हमने बात की थी 1020, ये पहला इसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, तो ये एक रेंज रह सकती है इसकी। सपोर्ट की बात करें तो जैसे कि हमने बात की पहले 950, उसके बाद देखें तो 935, एक तो ये रेंज, उसके बाद जो है 920 रुपये से लेकर 900 रुपये का लेवल, तो ये इसके जो है नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं। दूर के सपोर्ट की बात करें तो 850 से लेकर 800 का लेवल, और अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन 1000 से 1020 का लेवल, जो कि आज ही इसने वहाँ पर हाई बनाया, कई बार इसके ऊपर हमने चर्चा की। और कुछ लोग इसके अंदर जो है अच्छा खासा, मतलब कि ये जो है फ़ायदा जो है उसको हो भी सकता है, कुछ हमें कमेंट्स भी आते हैं, क्योंकि ये जो है पहला रजिस्ट्रेशन यहाँ पर दिख रहा है नज़दीकी रजिस्ट्रेशन, अगर ये लेवल पार होता है उसके बाद 1055, उसके बाद जो है 1100 रुपये का लेवल, ये इसके थोड़े से दूर के रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं,
1100 पार होता है उसके बाद अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो टाइम को ना देखें बल्कि लेवल को देखें तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। और आज के वीडियो में इतना ही, कल अगर हो सकेगा तो लाइव मार्केट के अंदर भी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया, मेरी तरफ से कभी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।